नमस्कार, मैं शंभु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दर्शक। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, आम जनता पार्टी इंडिया माननीय हरीश भाई पटेल राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी की, और मैडम अपना डेजिग्नेशन बता दें। मैं मंजूबेन पाल, आम जनता पार्टी इंडिया की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष, महिला सेल की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सर, क्या एजेंडा है आप लोग की पार्टी का? आम जनता पार्टी इंडिया दिल्ली में पहली बार विधानसभा के चुनाव में सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और हमारी पार्टी इस देश में भारतीय संविधान को सर्वोपरि मानती है, और हम संविधानवादी एक ऐसी सरकार दिल्ली में बनाना चाहते हैं जिसमें भारतीय संविधान की जो मूल प्रस्तावना है, उसका जो मूल लक्ष्य है, जो मैं समझ पाया हूँ, वो ये है कि हर जाति को उसके आबादी के अनुपात में इलेक्शन और सिलेक्शन में भागीदारी हो, और इसी एजेंडे के साथ हम दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे। तो आप मैं ओबीसी कैटेगरी से हैं? जी, मैं ओबीसी। कितने ओबीसी के लोग कितने एकजुट हुए हैं? अभी तो देखो सभी अलग अलग डिवाइड हुए हैं, लेकिन हम लोग ओबीसी को एक करना चाह रहे हैं। और मैं तो पहली बात सबसे ये है कि मैं महिलाओं की लड़ाई लड़ने के लिए आई हूँ, क्योंकि हमारे सर जो हैं वो मेन लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम भी महिलाओं के लिए आए हैं कि हम अपनी बहनों को वो जगह दे पाए जो आज सपा बसपा और कांग्रेस भाजपा ने नहीं दिया है, और जितने भी इनके साथ में शोषण हो रहा है उस शोषण से इनको बचाया जाए। तो क्या आप लोग का एजेंडा, तो आपने कहा संविधान है, लेकिन क्या लग रहा है कि कैसे राजनीति को आगे बढ़ाएंगे आप लोग? मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति निश्चित रूप से बढ़ेगी, और वो परिस्थितियाँ इस समय हमारे अनुकूल हैं, और इस समय बड़े पैमाने पर जो है उत्पीड़न जारी है, बड़े पैमाने पर डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, और जो वर्तमान सरकार है ये सरकार डेमोक्रेसी की पूरी तरह से हत्यारी है, और इसलिए हम डेमोक्रेसी से लेकर के बहुत सारे जो सवाल हैं जैसे ही उठाएंगे समाज निश्चित हमारे साथ खड़ा होगा। लेकिन सर, देखा जा रहा है कि जो विपक्ष के जो पार्टियां जितनी भी है, चाहे वो रीजनल पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, बीजेपी के सामने एकमुश्त नहीं लड़ने से तो आप जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका जो मुद्दा है मजहब का, धार्मिक मुद्दा जो है, उससे कैसे पार पाएंगे आप लोग? हाँ जी बिल्कुल, उनका जो धार्मिक मुद्दा है उस मुद्दे से निश्चित रूप से जब हम हर वर्ग को उनकी आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी देने की बात करेंगे, और बीजेपी चूंकि उस काम को नहीं कर रही है, इसलिए हम निश्चित जीत जाएंगे। और मेरा स्पष्ट मानना है वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, ये हर वर्ग को उनका हिस्सा नहीं देना चाहती है, और अपने पार्टी के टिकटों में भी नहीं देती है, और यही कारण है कि हर वर्ग जो है इनके साथ जुड़ने के वो वर्ग तैयार नहीं है, चूंकि ये खुद ही अपने हिस्सा नहीं देते हैं। बीजेपी दूसरे के साथ कैसे जुड़ जाते हैं? बीजेपी भी नहीं देती है। नहीं देखिए, बीजेपी क्या करती है, बीजेपी पूरी तरह से डेमोक्रेसी की हत्यारी पार्टी है, बट वो अपने सिस्टम को ऐसा बनाती है कि जनता को गुमराह करने में कामयाब हो जाती है, और ये साबित करने में कामयाब हो जाती है कि हम जो है डेमोक्रेटिक पार्टी हैं। सत्ता में संसाधन की बहुत भूमिका है आजकल के समय में, तो आप लोग बस टीवी नहीं है, अखबार नहीं है, संसाधन नहीं है, तो इसके लिए क्या रोडमैप है? देखिए, आपने एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जिस समय माननीय कांशीराम साहब ने क्रांति की शुरुआत की थी, और जो उन्होंने ग्रुप मीटिंग की थी, वो ग्रुप मीटिंग सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, और मैं दिल्ली में हर मोहल्ले में ग्रुप मीटिंग कर रहा हूँ। आज पूरी टीम है जो ग्रुप मीटिंग में लगी हुई है, और जो ग्रुप मीटिंग आएगी उसको कोई भी इनके जो मीडिया चैनल है वो उसको नहीं कर पाएंगे, और इस तरह से जो जनता है उसको गुमराह करने में कामयाब नहीं होंगे, और हमारे लोग सबसे ज्यादा दिल्ली में है, इसलिए निश्चित रूप से हम दिल्ली में कामयाब होंगे। मैडम, आपके लिए महिलाओं के लिए क्या रोडमैप है? महिलाओं को जो है इलेक्शन और सिलेक्शन में दोनों में भागीदारी मिलनी चाहिए हमारे हिसाब से, और जो इनके साथ शोषण हो रहा है, और मैं जगह जगह पर जा रही हूँ मोहल्ले में, और सब जगह सारी बहनों को यही कह रही हूँ कि हमारा साथ दे, और हम सत्ता परिवर्तन के लिए आए हैं, और सत्ता परिवर्तन करेंगे दिल्ली की जो है 2020 की सत्ता के लिए हम आए हैं। तो देखिए, ये नए लोग हैं, और भारत में डेमोक्रेसी तभी मजबूत होगी जब तमाम तरह के लोगों की भागीदारी होगी, ओबीसी की भागीदारी, चाहे मंत्रालय देखिए, मिनिस्ट्री में देखिए, प्रोफेसर, ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, जुडिशियल, सब जगह कम है। तो आप लोग आरक्षण के पक्ष में हैं? जी बिल्कुल, हम आरक्षण के पक्ष में हैं, और हर जाति को उसकी आबादी के अनुपात में इलेक्शन सिलेक्शन में भागीदारी चाहते हैं, उसका प्रतिनिधित्व चाहते हैं। तो ये जो आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला है उसके पक्ष में आप हैं कि नहीं? नहीं, हम इसके खिलाफ हैं, आर्थिक आधार पर नहीं है। हमारा भारतीय संविधान का जो ढांचा है वो सामाजिक है, आर्थिक नहीं है, और हम इससे टोटली खिलाफ हैं। ये गलत है, भारतीय संविधान पर कुठाराघात है, और भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तहत एक अनुसूचित जाति से 10 दिन के अंदर राष्ट्रपति बना करके और जो पास करवा लिया है, मान्यवर साहब के शब्दों में मैं कह सकता हूं कि इस देश में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के लोगों को चमचा बनाना शुरू किया है, और चमचों के सारे राजनीति कर रहे हैं, और अगर चमचों को एक्सपोज किए हुए मैं नहीं आ सकता हूं, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो हमारे क्लास से इन्होंने पैदा किया है, उस चमचों को हम हटाएंगे, और चमचा निश्चित रूप से फिर हारेगा, एक
बार बार ये हारा है, जब जब चमचायु युग एक्सपोज हुआ है तब तक चमचायु हारा है, वो चमचायु फिर हारेगा। तो ये हरिभाई पटेल हैं, क्रिस्टल क्लियर हैं कि संविधान के हिसाब से भारत का विकास हो सकता है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आम जनता पार्टी है, आपका चुनाव चिन्ह क्या है सर? मेरा चुनाव चिन्ह अभी रिजर्व नहीं है, बट हेलीकॉप्टर चुनाव निशान पर हम लोकसभा में चुनाव में उतरे थे और हेलीकॉप्टर चुनाव निशान हमें मिलने की संभावना है, शायद रहेगा। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। नेशनल दस्तक तमाम ऐसे लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनना चाहता है जो चाहे वो सामाजिक आंदोलन में हो चाहे नए राजनीतिक दल बना रहे हैं, बस शर्त इतनी है कि वो बहुजन समाज से हो। शुक्रिया सर। शंभु कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।